क्या इसराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसराइल के दक्षिण पंथी मंत्री इतमार बेन गवीर ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बेन गवीर अपने विवादित बयानों और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। कभी वो अल अक्सा मस्जिद के परिसर के समर्थकों के साथ घुस जाते हैं तो कभी वो इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों से ज्यादा अपना अधिकार बताते हैं। बेन गवीर के विवादित बयानों और एक्शन की वजह से ही ब्रिटेन में उन पर प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी चल रही है। ताजा विवाद का कारण बेन गवीर के गाजा पर कब्जे से जुड़े हुए बयान को बताया जा रहा है। 21 अक्टूबर को एक इसराइल की सत्ताधारी पार्टी की ओर से सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां बेन गवीर ने गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली करने की बात कही। बेन गवीर ने कहा कि हमारे लिए गाजा को दोबारा बसाना मुमकिन है, हम गाजा में कफार दारोम बना सकते हैं, हम नितजारीम अस्तमोना का दोबारा निर्माण कर सकते हैं। गाजा में विस्थापन को बढ़ावा देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी और सच बात ये है कि गाजा में विस्थापन को बढ़ावा देना ही समस्या का सबसे सही समाधान है। गाजा फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन ये जमीनी तौर पर फिलिस्तीन से जुड़ा क्षेत्र नहीं है। तीन ओर से ये इसराइल से घिरा है। दक्षिण में मिस्र बॉर्डर है तो वहीं पश्चिम में भूमध्य सागर। गाजा पट्टी करीब 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है जो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक माना जाता है। करीब 23 लाख फिलिस्तीनी यहाँ रहते हैं, लेकिन इसराइल हमास युद्ध के कारण गाजा की 90% आबादी को विस्थापित होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के OCHA के रिकॉर्ड्स के मुताबिक गाजा के करीब 2 लाख आबादी UNRWA के 110 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। वहीं इजरायली हमलों के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा करीब 15 लाख लोग रफा में शरण लेने को मजबूर हैं। इसराइल की स्थापना के बाद से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 1948 में जब इसराइल अस्तित्व में आया तब करीब 7 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। वहीं 1967 में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। महज 6 दिन में ही इसराइल इस जंग को जीतने में कामयाब रहा। इस युद्ध के दौरान करीब 3 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा। विस्थापन की इस त्रासदी को फिलिस्तीन लोग अरबी में नकबा कहते हैं। इसराइल ने जब 8 अक्टूबर को हमास के अटैक के जवाब में गाजा पर हमले शुरू किए थे तब आशंका जताई जा रही थी कि इस युद्ध के चलते गाजा में एक बहुत बड़ी आबादी को विस्थापित होना पड़ेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 Digital।